कृषि और पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार इस वक्त खबरें अभी तक के साथ हैं। सर, आज बीजेपी ने फिर से विधानसभा के बाहर प्रोटेस्ट किया दूध की खरीद की गारंटी को लेकर। कहा कि 80 और 100 रुपये लीटर के हिसाब से दूध नहीं खरीदा जा रहा है। पिछले कल हमने देखा गोबर लेकर यहाँ पहुँचे, क्या कहेंगे? देखिए, अभी हमने जो है वो दूध के दाम जो हैं वो 6 रुपये जो है वो बढ़ाए हैं, और क्योंकि दूध जब हम लोगों से लेते हैं तो उसके फैट्स के अनुसार जो है कीमत है। कई बार अगर फैट्स उसका अच्छा होगा तो उसकी कीमत जो है वो 80 रुपये तक से चली जाएगी, 100 रुपये तक भी चलेगी। अगर फैट्स कम होगा तो उसकी कीमत उससे कम होगी, लेकिन मिनिमम प्राइस जो अभी हमने बढ़ाई है वो 6 रुपये बढ़ाई है। जैसे वीरका है या दूसरे दूध जहाँ पर आता है उसके 8 पार जो है वो प्राइस हमने कर दिया, तो लोगों में एक काफ़ी उत्साह है कि सरकार कम से कम हमारा दूध जो कीमत जो है वो थ्रो वे प्राइसेस के ऊपर जाता था, अब 6 रुपये उसको पर लीटर जो है वो बढ़ा दिया गया है। और एक बहुत बड़ा प्लांट जो है बड़ी जल्दी हम नवाड के सहयोग से जो है वो डुघवार में बनाने जा रहा हूँ, जिसके ऊपर कम से कम 400 करोड़ रुपये का आधुनिक प्लांट होगा और बाई प्रोडक्ट्स उसके बनेंगे। 40 किलोमीटर के रेडियस में हम दूध कमेटियाँ हमने बना दी हैं, उनसे हम दूध कलेक्शंस करेंगे। कम से कम 5 लीटर 10 लीटर प्रति व्यक्ति जो है वो दूध सरकार को देगा, और जितना उसके फैट्स होंगे उसके अनुसार जो है वो हम उसकी कीमत को डिटरमिन करेंगे। 6 रुपये तो हमने बढ़ाई दी, बड़ी जल्दी जो है वो मैन्योरिंग जो है वो उसको लेने का एक कार्यक्रम हम शुरू किया जा रहा। हमने कहा कि अगले साल से 1 जनवरी से इस प्रोसेस को हम शुरू करने जा रहे हैं, और 50% ऑर्गेनिक खेती जो है वो किसान करेगा, उसको उसकी उपज का जो है वो अलग से दाम दिया जाए, क्योंकि वह मिनिमम सपोर्ट प्राइस देते हैं तो फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज़ की जाती है। हम चाहेंगे कि जो ऑर्गेनिक पैदा करेगा उसकी अलग से जो है वो सपोर्ट प्राइस होगी, उससे अलग से वेजिटेबल तैयार करेगा, दूसरी चीज़ें तैयार करेगा, पिगरी है उसके बाद फिशरी है, तो उसको और ज़्यादा जो है वो ग्रांट दे करके हम चाहते हैं कि कम से कम एक किसान के 25-30 हज़ार रुपया महीने की अगर इनकम होगी तब जाके कि उसकी एग्रीकल्चर सस्टेनेबल होगी। हम इन चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, नौटंकी करने से या नारे लगाने से इससे कोई बात बनने वाली नहीं होती, हमने प्रैक्टिकल करेंगे, प्रैग्मेटिक करेंगे और सस्टेनेबल काम करेंगे, इसीलिए हमने ये सारा कार्यक्रम किया। बिल्कुल, ये थे कृषि एवं पशुपालन मंत्री चौधरी चंद्र कुमार। उन्होंने कहा कि नौटंकी करने से कुछ नहीं होगा, हम जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं वो करेंगे, और इसमें दूध भी खरीदा जाएगा और गोबर से बनी जो खाद है वो भी खरीदी जाएगी, और इसमें किसानों को अच्छी इनकम हो ये कोशिश राज्य सरकार की रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट अंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, धर्मशाला।